क्या कांग्रेस की तारीफ कर बीजेपी पर दबाव बढ़ाना चाहती है शिवसेना? आखिर नेहरू कांग्रेस की तारीफ कर क्या संकेत दे रही है शिवसेना? इस साल के आखिरी में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव का बिगुल अभी भले ही नहीं बजा हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। नेताओं की सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में शिवसेना ने कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तारीफ कर बीजेपी को सख्ते में डाल दिया है। उधर शिवसेना के इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। दरअसल शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र में कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ की। शिवसेना नेता संजय राउत ने संसदीय लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए पंडित नेहरू और कांग्रेस की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने मौजूदा समय में विपक्षी पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की गैर मौजूदगी किसी देश की राजनीति को मनमाना और एक तरफा बना देती है। लेख में कहा गया है कि नेहरू और कांग्रेस के बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने संसदीय लोकतंत्र में शिष्टाचार को बनाए रखा है। वो कांग्रेस ही थी जो आजादी के बाद संसद में भ्रष्टाचार और परंपराओं से संबंधित कुछ नियम लेकर आई। संजय राउत ने लिखा है, वो नेहरू ही थे जिन्होंने देश में विपक्षी दल के महत्व को पहचाना। जब शुरू में विपक्षी दल कमजोर था तो वो कहते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने के साथ साथ विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभानी होगी। राउत ने कहा कि यहाँ तक कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी नेहरू के नक्शे कदम पर चलते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई विपक्षी दल नहीं है तो देश का लोकतंत्र कमजोर हो जाता है और राजनीति मनमानी और एक तरफा हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना में शामिल होने के लिए कतार में खड़े अवसरवादी नेताओं पर भी तंज कसा। उधर सियासी जानकार इस बयान को सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला होने से पहले शिवसेना की दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। असल में बीजेपी शिवसेना के बीच सीट बंटवारे का मामला अभी सुलझा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जहां शिवसेना को 120 सीट से ज्यादा देने को राजी नहीं है, तो वही शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी को ये मंजूर नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शिवसेना अपनी इस रणनीति से बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब होती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वैरायटी रिपोर्ट।